शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि दिन गुरुवार 30 नवंबर 2023 को पड़ेगा, जो कि मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष में आ रहा है। यह तृतीय दिवस रहेगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। इस दिवस पे हम बता दें कि आद्रा नक्षत्र लगने वाला है, जो कि अपने आप में बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। यदि आप इस दिन कोई भी विशेष उपाय करते हो तो आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपके जीवन के हर तरह के काम बनने लग जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन की दुर्लभ से दुर्लभ कामना भी पूरी हो जाती है। आपके काम सारे बनने लग जाते हैं। आपको शुभ फल की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। साथ साथ में यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत है, आपको लगता है कि आपके काम हमेशा ही अटक जाते हैं, लोगों के काम जल्दी निकल जाते हैं और आप हमेशा ही अपने जीवन में उदासी को महसूस करते हैं, तो अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए इस उपाय को आपने इस दिन जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके, साथ साथ में आपके भी जीवन की समस्या दूर हो सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 चने की दाल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आप एक चुटकी हल्दी से भी इस उपाय को कर सकते हो। साथ में आपको एक लोटा जल लेना है, जो कि घर से भर के लेके जाना है। जैसे कि श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने कई बार अपनी कथा में बताया है कि जब भी आपने लोटे का उपाय करना है तब कोशिश करनी है घर के मटके से जल भरे, और जल जब भी भरना है तो तांबे के लोटे में भरें। ऐसा करने से आपके जीवन के पितृ दोष का समापन होता है और आपके जीवन से पितृ आपको हमेशा संतुष्टि प्रदान करते हैं, खुद भी संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो आपने केवल इन सामग्रियों से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने यह जो हल्दी ली है और ये 11 चने की दाल ली है, आपने ये सब लेकर पहुंच जाना है केले के पेड़ के पास। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुवार का दिन जो है बृहस्पति जी को अर्थात विष्णु जी को समर्पित होता है, जो कि इस दिन केले के पेड़ में निवास पाते हैं। वहीं पर जाके आपने इस उपाय को करना है। जैसे कि प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि जो भी पेड़ का उपाय आपने करना है, वो केले का पेड़ हो या कोई भी देव वृक्ष हो, वो आपसे बड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी उपाय करो, झुककर जब भी आप कोई भी उपाय करते हो, तो इसकी जो छाया है आप पर पड़नी चाहिए, तभी वह उपाय आपको फल प्रदान करेगा। तो आपने किसी बड़े केले के पेड़ के पास चले जाना है, जिसकी छाया आप पर पड़ सके, वहां पर बैठकर आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने 11 चने की दाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है, और यह आपने इस लोटे में डाल लेनी है। ऐसे ही आपने एक चुटकी हल्दी भी इसके भीतर भर लेनी है, और आपके पास यह हल्दी और 11 चने की दाल वाला जल तैयार हो जाएगा। वहां पर आपने अपना नाम और गोत्र लेते हुए अपने मन की समस्या कहते हुए आपने यह जो जल है केले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करना है। याद रहे, आपने धीरे धीरे समर्पित करना है, और आप फिर से अपना नाम गोत्र अपने मन की कामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने जाप करते हुए यह जल केले की जड़ में समर्पित करना है। आप यह उपाय कम से कम भी 4 या 5 गुरुवार आपने लगातार करना है। ऐसा करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाएगा, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके। श्री शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव की हाजिरी आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लगानी है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।